তো নমস্কার দাদা, এখন বাজে সকালে 6:30, আর আমরা চলে এসেছি কলকাতায়। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। बचपन से ही मेरा सपना था कि मुझे कोलकाता का दुर्गा पूजा देखना है, और जब से मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया ये सपना जैसे दुगना हो गया। अपने घर से सिर्फ 100 किमी दूर होने के बाद भी मुझे कभी कोलकाता में दुर्गा पूजा देखने का मौका ही नहीं मिला था, और फाइनली इस साल मुझे ये मौका मिला। और इस साल आसाम से मेरे दो मित्र अमृतम और कामरान भैया भी कोलकाता में आने वाले थे। और फिर क्या, कॉलेज में 5 दिन छुट्टी की एप्लीकेशन देके मैं अपने दोस्त बिट्टू के साथ निकल पड़ा कोलकाता का दुर्गा पूजा देखने। 24 तारीख शाम को हम कोलकाता पहुंचे, और होटल में सामान रखने के बाद वहां से हम डायरेक्ट निकल पड़े कुमारटुली में, क्योंकि अगले ही दिन था महालया और हमें शूट भी करना था। वहाँ रात के 2 बजे तक शूट करने के बाद फाइनली हमें चैन की नींद मिली। हमने सोचा था कि अगले दिन सुबह सुबह उठ के महालया में कुछ शूट करने निकलेंगे, और बिस्तर से हम जब उठे तो ऑलरेडी सुबह के 10:30 बज रहे थे। उस दिन सुबह हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, पर शाम को हमें इंस्टाग्राम में जनाब से एक मस्त लोकेशन का पता चला, तो हम निकल पड़े वहाँ जाके कुछ शूट करने। वो जो लोकेशन था मतलब एकदम कतई ख़तरनाक वाला, मतलब क्या ही बताया, आप खुद ही देख लीजिए। ये सब शूट करने के बाद हम वहाँ से होटल वापस आ गए, क्योंकि अगले दिन जो था हमारे कामरान भैया सुबह को आसाम बैक करने वाले थे। हमारे नेक्स्ट 2 दिन का प्लान ये था कि आसपास में जितने भी पैंडल्स हैं वो हम कवर करेंगे, और लगातार 2 दिन 7-8 घंटे शूट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो आप ये वीडियो में देख लीजिए। सततम नमः नमः प्रकृत्यै वज्रायै नियतः प्रणतः स्मतम रुद्रायै नमो नित्यायै गौरीयाय दत्तायै नमः ज्योत्स्नायै चंद्ररूपिणै सुखायै सततम नमः।
मोमेंट्स पाने के लिए हमें उनके पीछे भागना भी पड़ता है। तो नमस्कार, फिलहाल सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सनराइज जो है हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो बोलते हैं धूप है और सनराइज जो है हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है।